अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड द पॉलिसीज टुवर्ड्स मुस्लिम्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शंस के बारे में कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इलेक्शंस में पार्ट लिया, उन इलेक्शंस का रिजल्ट क्या निकल के आया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैसे बनी, उनके ऊपर किस तरह के कानून और आइन बनाए गए, किस तरह की पॉलिसीज बनाई गई और मुसलमानों का क्या रिस्पांस रहा इस सारी सिचुएशन के बाद। सबसे पहले आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट फुली प्रोमल्गेटेड बट द ओनली प्रोविंशियल पार्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड इट बट अग्रीड टू कंटेस्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये बेसिकली अंग्रेजों ने एक कानून या आइन कह लें इंट्रोड्यूस करवाया था मुल्क के अंदर। मुकम्मल तौर पर वो एक नया आइन लेकर आ रहे थे मुल्क के अंदर, लेकिन ना ही मुस्लिम लीग उससे एग्री कर रही थी और ना ही कांग्रेस, उन दोनों ने ही उसे क्रिटिसाइज किया था। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरे के पूरे इंडिया पर लागू नहीं हुआ था, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर कुछ पार्ट ऐसे थे, कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर ये कानून लागू हुआ था, लेकिन पूरे इंडिया में इस कानून को लागू नहीं किया गया था। उसके बाद इलेक्शंस हुए 1937 के, और द इलेक्शंस ऑफ 1937 वर हेल्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। द कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज एन ऑल इंडिया फोर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स एंड फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जब इलेक्शंस हुए तो उसमें मुस्लिम लीग भी था, उसमें कांग्रेस भी थी, तो जो कांग्रेस थी वो सोसाइटी के अंदर जितने भी रिलीजन वाले लोग थे उन सबको रिप्रेजेंट कर रही थी अपने पार्टी के थ्रू। वाइल ऑन द अदर हैंड द मुस्लिम लीग कंटेस्टेड फॉर द मुस्लिम सीट्स। जो मुस्लिम लीग थी वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही थी, जबकि कांग्रेस जो है वो जितने भी रिलीजन थे मुल्क के अंदर उन सबको रिप्रेजेंट कर रही थी। देयर वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। द इलेक्शंस वर कम्प्लीटेड इन फेब्रुवरी 1937। The Congress got majorities in 5 provinces, Madras, UP, CP, Bihar and Orissa. It emerged as the largest party in Bombay and won 705 out of 1585 general seats. तो जो result निकल कर आया elections का वो यही था कि जो Congress थी वो बड़ी आसानी से majority of seats जीत चुकी थी। 5 प्रोविंसेस में मेजोरिटी के साथ उन्होंने अपनी जगह बनाई, जिसमें मद्रास था, यूपी था, सीपी था, बिहार था और ओडिशा था। उन्होंने इतने बड़े लेवल पर इस इलेक्शन को जीता था कि वो बॉम्बे में सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे, क्योंकि 1585 सीट्स में से 704 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। तो बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस लीड कर रही थी बाकी सारी पार्टीज को। While on the other hand, the Muslim League performed poorly in the elections and got only about 21% of the Muslim seats without winning majority anywhere, Bengal, Punjab, NWFP and Sindh. जबकि जो मुस्लिम लीग है उसने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ 21% सीट्स मुसलमानों के हिस्से में आई थी, और जहां पर मेजॉरिटी थी मुसलमानों की जैसे बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, एनडब्ल्यूएफपी हो गया और सिंध हो गया, ये वो इलाके थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, लेकिन वहां पर भी मेजॉरिटी के साथ ही सीट नहीं जीत सके थे। इट वाज मोस्टली ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड ऑपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप्स। अब इसकी वजह क्या थी कि मुसलमान इतने बुरे तरीके से हारे या मुस्लिम लीग जो है वो नहीं जीत सकी? उसकी दो ही रीजन थी, पहला ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स थी और दूसरा कुछ लोकल मुस्लिम ग्रुप्स थे जो मुस्लिम लीग की ओपोजिशन में थे। यानी मुस्लिम लीग एक ऐसी लीग है जहां पर मुसलमान काम कर रहे हैं मुसलमानों के ही लिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोकल इंडिया में ही कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो मुस्लिम ग्रुप्स ही थे, वो भी मुसलमानों पर ही मुश्तमिल थे, लेकिन वो अलहदा काम कर रहे थे मुस्लिम लीग से, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और वो दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स जो थे उनके आपस में कुछ इख्तलाफात थे और एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, और आपस में झगड़ों की वजह से वो एक दूसरे को मतलब सपोर्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से हार गई थी। तो ये एक सिचुएशन थी दो के ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स थी और कुछ लोकल मुस्लिम ग्रुप्स थे जिन्होंने अपोज किया था मुस्लिम लीग को, जिसकी वजह से वो लोग इसको मेजोरिटी के साथ जीत नहीं पाए थे। इसके बाद आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स।
अब जब कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीती सीट्स, तो 1937 जुलाई में कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 6 प्रोविंसेस। जो कांग्रेस थी उसने टोटल 6 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने सीट्स जीती थी। इन NWFP खुदाई खिदमतगार एंड कांग्रेस फॉर्म्ड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो जो खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस है, ये दोनों मुख्तलिफ पार्टीज थी, लेकिन NWFP में ये दोनों कोएलिशन गवर्नमेंट बन गए थे, यानी साथ मिलकर कंबाइन होकर ये लोग काम कर रहे थे इन NWFP। अब आपने याद रखना है कि NWFP वो एरिया है, वो सूबा है जिस पर मुस्लिम लीग हुकूमत करना चाहती थी, वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, क्योंकि ये वो इलाका था जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था। लेकिन किसी भी मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया में, जैसे NWFP हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, किसी भी एरिया में मुस्लिम लीग ने मेजोरिटी से सीट्स नहीं जीती थी, तो हर जगह कांग्रेस ही लीड कर रही थी। इन द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस द मुस्लिम लीग कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जितनी भी मुस्लिम मेजोरिटी वाले प्रोविंसेस थे, वहां पर मुस्लिम लीग अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, क्योंकि वो सीट्स नहीं जीती थी। द मुस्लिम लीग डिजायर टू बी इन गवर्नमेंट इन द यूपी, बट द कांग्रेस कंसेंटेड टू अ कंडीशनल सपोर्ट। अब हुआ ये कि मुस्लिम लीग ने रिक्वेस्ट की कांग्रेस से कि वो यूपी पर जो है वो हुकूमत करना चाहते हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात पर रजामंदी का इजहार उन्होंने किया भी था, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी जो उन्होंने रखी मुस्लिम लीग के आगे, कि अगर आप हमारी ये शर्तें मानोगे तो हम आपको इस चीज की इजाजत दे देंगे कि आप यूपी पर हुकूमत कर सको। तो वो शर्तें क्या थी जो कांग्रेस ने रखी थी मुस्लिम लीग के आगे? पहली उसमें से ये थी कि डिसॉल्व ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो मुस्लिम लीग जाहिर है पार्ट थी पार्लियामेंट्री बोर्ड का, और जो कांग्रेस थी वो डिमांड कर रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स से कि वो खत्म कर दें या टर्मिनेट कर दें अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड को, जितने भी मेंबर्स हैं वो बेसिकली छोड़ दें पार्लियामेंट्री बोर्ड को मुकम्मल तौर पर, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। सेकंड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप। जो सेकंड डिमांड कांग्रेस वालों ने रखी मुस्लिम लीग के आगे, उन्होंने कहा कि आप एज अ सेपरेट पार्टी काम कर रहे हो, बिल्कुल अलहदा आपकी एक पार्टी है जहां पर आप अलग तरीके से अपनी पार्टी को लीड कर रहे हो, अपने मेंबर्स को या मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप अपना ये सेपरेट ग्रुप छोड़ दो, एज अ सेपरेट ग्रुप फंक्शन करना छोड़ दो और हमारे साथ काम करना स्टार्ट करो। और थर्ड जो उन्होंने डिमांड रखी कांग्रेस ने, वो ये थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं, एक्सप्रेस करें एलिजियंस टू द कांग्रेस। वो कांग्रेस को अपनी वफादारी का यकीन दिलाएं, उनको यकीन दिलाएं कि वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उनके साथ लॉयल रहेंगे, और अपना एज अ जो सेपरेट ग्रुप वो चला रहे हैं इस पार्टी को, उसको खत्म करके कांग्रेस के साथ काम करेंगे। अब डेफिनेटली द अबव मेंशन टर्म्स वर अ डिवाइस टू सबवर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मुस्लिम लीग, देयर फोर नो एग्रीमेंट वॉज पॉसिबल ऑन द इशू। अब ऑब्वियसली जैसा कि आपको देख कर पता चल रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पार्टी को ही खत्म कर देना चाहते थे, और मुस्लिम लीग किसी भी सूरत इन शर्तों पर रजामंद नहीं हो सकती थी, अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकती थी, किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं कर सकते थे। अब जब मुस्लिम लीग किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हुई, तो कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज इंडिया के अंदर वो लेकर आए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट फ्रॉम जुलाई 1937 टू नवम्बर 1939। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस लॉन्च्ड एंटी मुस्लिम ड्राइव, बेसिकली टू एक्सक्लूड द मुस्लिम लीग एंड अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहला मकसद जो कांग्रेस का था वो यही था कि वो जितने भी इंडिया के अंदर प्रोविंसेस हैं वहां पर एंटी मुस्लिम उन्होंने पॉलिसीज बनाई इस तरीके से, ताकि वो मुस्लिम लीग को एक्सक्लूड कर सके, उनकी पार्टी को खत्म कर सके, और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, उसके अलावा जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और थी इंडिया के अंदर, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी वो खत्म कर देना चाहते थे, और उनको गवर्नमेंट की जितनी भी बड़ी बड़ी सीट्स एडमिनिस्ट्रेशंस थी उससे वो बाहर निकाल देना चाहते थे, ताकि गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेसेस जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, वो मुसलमानों में से कोई भी ना करे। द कांग्रेस लीडर्स हैड कम टू नो दैट द मुस्लिम लीग हैड गॉट रूट्स इन द मासेस, दे स्टार्टेड मुस्लिम मास कॉन्टेक्ट मूवमेंट टू डीफेम द मुस्लिम लीग इन देयर फेवर। तो कांग्रेस को इस चीज का अंदाजा हो गया था कि मुस्लिम लीग की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और बहुत बड़े लेवल पर जो मुस्लिम लीग है वो फैली हुई है, और
बहुत ज्यादा उसकी रूट्स स्ट्रांग है मुस्लिम लीग की, तो उनकी रूट्स को वीक करने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम मास कांटेक्ट मूवमेंट जो है स्टार्ट की, और इस मूवमेंट का सिर्फ एक ही मकसद था, और इस मूवमेंट का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुस्लिम लीग को किसी तरीके से डीफेम किया जाए। तो मुस्लिम मास कांटेक्ट मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को डीफेम करने के लिए था, ताकि जो भी उनकी रूट्स हैं उनको कमजोर बनाया जा सके और मुस्लिम लीग को वीक किया जा सके। देवर मेकिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल पॉलिसीज दैट प्रमोटेड द हिंदू कल्चर एंड सिम्बल्स इन द नेम ऑफ इंडियन कल्चर। द इंट्रोड्यूस्ड बंदे मातरम एंथम फ्रॉम अनंतमत इन द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेज एटसेट्रा। द हिंदी लैंग्वेज वॉज गिवन टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंस इन देयर पॉलिसीज। तो कांग्रेस ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने अपने हिंदू कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, हर जगह ऐसी कल्चरल पॉलिसीज, ऐसी एजुकेशनल पॉलिसीज बनाई जिससे हर जगह वो अपने हिंदू कल्चर को प्रमोट करते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने बंदे मातरम जो एंथम है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, और ये उन्होंने एक नॉवल था, एक किताब थी जिसका नाम था अनंतमत, उस बुक में से उन्होंने ये बंदे मातरम एंथम लिया था, और इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में इस एंथम को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा जो हिंदी लैंग्वेज है उन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी अपनी ही जुबान को दी। इसके बाद वर्धा एजुकेशनल स्कीम वाज टू कन्वर्ट मुस्लिम्स टू हिंदूज थ्रू प्राइमरी एजुकेशनल लिटरेचर। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी स्कीम स्टार्ट की जिसे वर्धा एजुकेशनल स्कीम कहते हैं, और इस स्कीम के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे थे उनको फ्री एजुकेशन दी जाती थी 8 साल के लिए। तो उस दौरान जितने भी बच्चे उनके पास पढ़ते थे वो किसी भी जेंडर या किसी भी रिलीजन या किसी भी कल्चर के हो सकते थे। यही वजह है कि उस ड्यूरेशन में जो बच्चे उनके पास पढ़ के जाते थे वो उनके ब्रेन्स के साथ मैनिपुलेशन होती थी काइंड ऑफ, क्योंकि जो उनका एजुकेशनल लिटरेचर था, प्राइमरी एजुकेशनल लिटरेचर था, वो सारा का सारा हिंदू बेस्ड था और मुसलमान भी उसी को पढ़ रहे थे। प्रोजेक्शन ऑफ हिंदू हीरोज लाइक गांधी एंड डिस्टोरेशन ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री बिकेम देयर मॉरल क्रीड। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज और न्यू रिक्रूटमेंट फॉर जॉब्स। तो उन्होंने एजुकेशन के थ्रू भी जो मुसलमान बच्चे थे उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, क्योंकि वो एजुकेशन लिटरेचर जो था वो कुछ इसी तरीके से बना हुआ था कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू के कल्चर को, लैंग्वेज को और हिस्ट्री को प्रमोट कर रहा था, और इस वर्धा एजुकेशनल स्कीम का मकसद ही मुसलमानों को हिंदू में कन्वर्ट करना था। इसके अलावा जो अपनी लिटरेचर के थ्रू वो हीरोज को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उनके खुद के हीरोज थे, उनकी खुद की हिस्ट्री थी, और दूसरी तरफ वो मुसलमानों की हिस्ट्री को बहुत ज्यादा दुबा रहे थे और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। जो उनकी पॉलिसीज थी वो डिस्क्रिमिनेशन से भरी हुई थी। उन्होंने जितनी भी सर्विसेज थी या जॉब्स थी वहां पर वो डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू हो गए थे और मुसलमानों को हर लिहाज से वो दुबाना शुरू हो गए थे। द कांग्रेस मिनिस्टर्स एडॉप्टेड ओवरऑल नेगेटिव एंड क्रूअल एटीट्यूड एस्पेशली टूवर्ड्स द मुस्लिम एक्टिविस्ट। दिस अनजस्ट ट्रीटमेंट कंपेल्ड द मुस्लिम्स टू बी डिसिप्लिन्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो कांग्रेस ने इतना ज्यादा दुबाना शुरू कर दिया था और नाइंसाफी करना शुरू कर दी थी मुसलमानों के साथ, उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था और बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, क्योंकि वो उनको फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे थे और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे और बहुत ही अनजस्ट ट्रीटमेंट था मुसलमानों को लेकर। कांग्रेस के इस बिहेवियर के बाद मुसलमानों का क्या रिस्पॉन्स था? द मुस्लिम्स वर वेल अवेयर ऑफ द थियोक्रेटिक इंक्लाइनेशन ऑफ द हिंदू पीपल। दे अरेंज ए क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे पब्लिसाइज देयर पॉलिसीज एंड रेज द इशूज। द मोबिलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑन दीज मैटर्स रिक्वायर्ड कीन प्रोब टू कलेक्ट द ओरिजिनल फैक्ट्स ऑफ द हिंदू एट्रोसिटीज। तो मुसलमानों को अच्छे तरीके से पता था कि हिंदू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो गवर्नमेंट को मॉनिटर करें, बहुत क्लोजली उनको, उनके ऊपर वो नजर रखते थे ताकि वो देख सकें कि गवर्नमेंट क्या क्या करने की कोशिश कर रही है, क्या क्या उनके प्लान्स हैं और वो किस किस तरीके से मुसलमानों को दुबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुसलमानों ने जो पॉलिसीज गवर्नमेंट कांग्रेस ने बनाई थी, जिस तरह की पॉलिसीज बनाई थी उसको पब्लिसाइज किया, लोगों तक पहुंचाया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है इस तरह की पॉलिसीज बना रही है जिससे मुसलमानों को दुबाया जा रहा है। उन्होंने जितने भी इश्यूज थे उनको, उनके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई, अपने लिए लड़ा।
सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ये चीज भी समझ में आ गई थी मुसलमानों को कि अगर वो समझना चाहते हैं कि हिंदू किस हद तक जो है वो हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उस चीज को साबित करने के लिए उन्हें कुछ फैक्ट्स की जरूरत है, उन चीजों को साबित करने के लिए उन्हें उस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फैक्ट्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिससे वो साबित कर सकें कि किस तरीके से हिंदू जो है वो उन्हें सप्रेस कर रहे हैं या उनको दबा रहे हैं। तो फिर हुआ ये कि ऑन मार्च 28, 1938 द काउंसिल ऑफ मुस्लिम लीग अपॉइंटेड एन 8 मेंबर कमेटी अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर दैट प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन नवंबर 15, 1938। तो इस सारी सिचुएशन के बाद जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मिलकर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में टोटल 8 मेंबर थे। उस कमेटी ने ये कमेटी जो बनाई वो पीरपुर में बनाई और पीरपुर में उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो राजा सैयद मोहम्मद मेहदी थे, क्योंकि वो खुद एक मुसलमान थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया इस कमेटी के थ्रू और उन्होंने अपनी रिपोर्ट रिप्रेजेंट की ऑन नवंबर 15, 1938। वो जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में मुस्लिम लीग ने सारे इश्यूज रेज किए थे कि किस किस तरीके से जो है हिंदू उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी पॉलिसीज डायरेक्टली अगेंस्ट है मुसलमानों की। इट ट्राइड टू डिग आउट द क्रुएल्टीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 7 प्रोविंसेस। उस रिपोर्ट में मुस्लिम लीग ने बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो 7 डिफरेंट प्रोविंसेस में जो है अपनी पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा दुबा रही है मुसलमानों को। द रिपोर्ट टुक अप द कांग्रेस सपोर्ट टू द राइवल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स टू द प्रो मुस्लिम लीग पीपल। अब ये जो रिपोर्ट थी ये मुस्लिम लीग की रिपोर्ट थी जिसमें वो बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग के अलावा जो डिफरेंट मुस्लिम ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, कांग्रेस उनको डरा रही है, उनको धमका रही है और उन्हें थ्रेटन कर रही है कि वो किसी भी सूरत मुस्लिम लीग का पार्ट ना बने। मुस्लिम लीग एक अलहदा पार्टी थी और उसके अलावा कई छोटे छोटे ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स थे जो काम कर रहे थे और कांग्रेस जो है नहीं चाहती थी कि वो मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज करें मुस्लिम लीग के साथ। और मुस्लिम लीग ने इस इशू को भी रेज किया था कि किस तरीके से दूसरी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर उन्हें किस तरह कांग्रेस थ्रेटन करती है, उन्हें डराती है, धमकाती है कि वो मुस्लिम लीग के साथ काम ना करें या उनके साथ कॉम्प्रोमाइजेज ना करें। यही वजह है कि जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाती थी दूसरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को और दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स को, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए वो बहुत ज्यादा सख्त थी। इसके बाद आ जाता है द शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939। द मुस्लिम लीग डिप्यूटेड मिस्टर शरीफ विद मेंबर्स टू इन्वेस्टिगेट द इनजस्टिसेस अंडर द डिक्टेटोरियल रूल्स ऑफ द हिंदूज। दिस रिपोर्ट मेनली कलेक्टेड द फैक्ट्स कंसंट्रेटिंग ऑन इल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद द मुस्लिम्स इन बिहार। तो जैसे ही ये रिपोर्ट जो पीरपुर रिपोर्ट थी वो कांग्रेस तक पहुंची, कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, ऑब्वियसली वो मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थे लेकिन साथ ही साथ वो दूसरे ग्रुप्स जो थे मुस्लिम ग्रुप्स थे या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी अदर देन मुस्लिम लीग वो उनको सपोर्ट करते। जो शरीफ रिपोर्ट थी उसका मकसद ये था कि जितने भी नाइंसाफियां कांग्रेस कर रही है या हिंदू जो है अपनी हुकूमत का या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा उठाते हुए, अपनी हुकूमत का फायदा उठाते हुए किस किस तरीके से नाइंसाफियां कर रही है मुसलमानों के साथ, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थी फैक्ट्स के साथ इस रिपोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने स्पेशली इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया था कि किस तरह गवर्नमेंट जो है वो बिहार में रहने वाले मुसलमानों को खास तौर पर जो है इल ट्रीटमेंट दे रही है। ये थी शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939। उसके बाद आ जाती है द फजलुल हक रिपोर्ट दिसंबर 1939। ए के फजलुल हक पब्लिश ए पम्फलेट इंटाइटल्ड मुस्लिम सफरिंग्स अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस एंड मेड मैनी अलार्मिंग रेवलेशंस, फॉर एग्जाम्पल फॉरबिडिंग ऑफ अजान, अटैक्स इन मोस्क्स, नॉइजी प्रोसेशंस ऑफ द हिंदू स्कॉन्ड्रल्स, फॉरबिडिंग ऑफ द काउ स्लॉटर एटसेट्रा। दिस पम्फलेट रिस्पॉन्डेड द इंडिक्टमेंट्स बाय द कांग्रेस ऑन द मुस्लिम्स। अब जो ए के फजलुल हक थे इन्होंने एक पम्फलेट पब्लिश किया और उस पम्फलेट का जो नाम था वो था मुस्लिम सफरिंग्स अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस।
ये था उस पम्फ्रेट का नाम, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की, बहुत सारे इश्यूज को रेज किया और फैक्ट्स के साथ उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, लोगों तक पहुंचाया, अवेयरनेस जो है वो देने की कोशिश की कि किस तरीके से जो हिंदू हैं वो अजान को फॉरबिड कर रहे हैं, मस्जिदों पर किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, किस तरीके से हिंदू जो हैं वो ऐसे एहतजाज कर रहे हैं या रैलियां निकाल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और गाय को जिबा करना भी हिंदुओं ने मुकम्मल तौर पे फॉरबिड कर दिया था, मना कर दिया था। ऑल द रिपोर्ट्स डिस्क्राइब्ड द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट हिंदू राज दैट वांटेड टू ओवरवेलम द मुस्लिम कल्चर एंड देयर आइडेंटिटी। इट वाज अ रिगरस थ्रेट टू द मुस्लिम इंटरेस्ट। तो इस रिपोर्ट ने इस चीज को डिस्क्राइब किया था कि किस तरह कांग्रेस की जो हुकूमत है वो हिंदू राज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों के कल्चर को और उनकी आइडेंटिटी को दुबाने की कोशिश कर रही है, और ये चीज मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ थी। अब जो कांग्रेस थी वो हर लिहाज से मुस्लिम लीग को जो है वो दुबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपनी एक्टिविज्म बहुत ज्यादा तेज कर दी, बहुत ज्यादा तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिया। द मुस्लिम लीग हाईलाइटेड द इश्यूज एंड मोबिलाइज द मुस्लिम्स टू काउंटर देम एडिक्वेटली। उन्होंने जितने भी इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया और मुसलमानों को मोटिवेट किया कि वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इट रीऑर्गेनाइज्ड द मुस्लिम कम्युनिटी टू कॉप विद द सिचुएशन। उन्होंने दोबारा से मुस्लिम कम्युनिटी को रीऑर्गेनाइज किया ताकि वो जितनी भी सूरत हाल है इंडिया में चल रही है इस वक्त, वो उस सिचुएशन को डील कर सकें। द मुस्लिम लीग अरेंज इट्स सेशन एट लखनऊ इन अक्टूबर 1937। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक सेशन भी रखा इन अक्टूबर 1937, और उस सेशन का मकसद भी मुसलमानों को अवेयरनेस देना था कि वो अपने लिए लड़ें। मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक फजलुल हक पार्टिसिपेटेड इन द सेशन। फजलुल हक जो थे इस सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लखनऊ में ये जो सेशन हुआ था वहां पर फजलुल हक भी आए थे, और सिकंदर हयात और सादुल्ला दोनों ने भी अपना अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाया था मुस्लिम लीग को। द मुस्लिम लीडर्स शेड अ शार्प क्रिटिसिज्म ऑन द कांग्रेस पॉलिसीज। अब जितने भी ये बड़े बड़े लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम लीग का पार्ट थे, इन्होंने कंबाइन होकर इकट्ठा होकर कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज किया कि वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है टुवर्ड्स मुस्लिम्स, और बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव है जो कांग्रेस की पॉलिसीज हैं। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ स्टेटस ऑफ उर्दू एंड अदर मुस्लिम रिलेटेड इश्यूज। जो मुस्लिम लीग है उन्होंने जो उर्दू जुबान है उसको दुबाने की जो कांग्रेस की कोशिशें थी उस इशू पर भी उन्होंने आवाज उठाई, और इसके अलावा भी मुसलमानों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। दे क्रिएटेड रियलाइजेशन अमंगस द मुस्लिम्स ऑफ व्हाट कैन हैपन अंडर द कांग्रेस रूल एंड अर्ज्ड फॉर सीरियस थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स। मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस पैदा की मुसलमानों में, और उन्हें समझाया कि कांग्रेस के रूल के अंदर रहते हुए या कांग्रेस की हुकूमत के अंडर रहते हुए अगर हम लोग मुसलसल मुसलसल कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो हम लोग हार जाएंगे, और हमें इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। हमारा जो फ्यूचर है पॉलिटिक्स का या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें खुद डिजाइन करना है। हमें हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से रिलेटेड क्या फ्यूचर बनकर आ रहा है, क्योंकि हम लोग अगर कांग्रेस के रूल के नीचे दबते रहे या कॉम्प्रोमाइज करते रहे तो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दे अनअर्थ द रियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस एंड अर्ज द नीड ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स अंडर द बैनर ऑफ मुस्लिम लीग। उन्होंने हर लिहाज से मुसलमानों को मोटिवेट किया, उन्हें यूनाइटेड होने के लिए कहा, उन्हें समझाया कि किस तरीके से उन्हें कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेप्टेम्बर 1939 प्रूव्ड ब्लेसिंग फॉर द मुस्लिम्स इन अ सेंस दैट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन नवम्बर 1939। द मुस्लिम्स ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन दिसंबर 22, 1939। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी सितंबर 1939 में, उसकी वजह से मुसलमानों को मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं फायदा हुआ, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो कांग्रेस थी उसको जबरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने का कहा गया था, जबकि उनसे उनकी राय पूछी भी नहीं गई थी कांग्रेस से कि क्या वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन उन्हें जब इस चीज का पता चलता है कांग्रेस को कि उन्हें जो है वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो
तो उन्होंने एहतजाजन जो है अपनी जो मिनिस्ट्रीज थी, अपनी जो अथॉरिटीज थी, उन सब से उन्होंने रिजाइन दे दिया। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गए, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव सीट्स थी, उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया क्योंकि उन्हें बिट्रेल फील हो रहा था, जैसे उनको धोखा दिया गया है। क्योंकि जबरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि अंग्रेजों की जंग थी बेसिकली, क्योंकि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट थे, वो जंग लड़ रहे थे और वो चाहते थे कि जो कांग्रेस है वो भी उनके साथ उस जंग का हिस्सा बने और जंग में उनके साथ लड़े। लेकिन कांग्रेस से उनकी राय नहीं पूछी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक बगावत कह लें, बागीपन में रिजाइन कर दिया था। इससे अल्टीमेटली जाहिर है मुस्लिम लीग को फायदा हुआ और उन्होंने द डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया ऑन दिसंबर 22, 1939। द मुस्लिम लीग रीडिफाइंड इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। तो वर्ल्ड वार टू के ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग को दोबारा मौका मिला अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का। दे एक्सप्रेस्ड देयर एंथुजियाज्म दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इन्फोर्स्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग ने पूरे जोश के साथ अपनी इस राय का इजहार किया कि किसी भी सूरत में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी आइन, कोई भी कानून मुसलमानों की मर्जी के बगैर उन पर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा या उन पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। दे इरेडिकेटेड देयर ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस एंड रिफाइंड देयर ऑब्जेक्टिव कीपिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। उन्होंने अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया, जो उनकी कमजोरियां थी उन कमजोरियों को उन्होंने पकड़ा, उनको ठीक करने की कोशिश की, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन किया कि उनको किस किस तरह की तब्दीलियां अपनी पार्टी के अंदर लानी चाहिए, और जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के साथ जो जो भी गलतियां उन्होंने की थी उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा, ताकि वो अपनी मुस्लिम लीग पार्टी को जो है वो स्ट्रांग बना सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, इनशाला हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 11 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।